कुरैशी साहब, आप लोग मुज़ाकरात की बात कर रहे थे और आप लोग मुज़ाकरात हुकूमत से नहीं चाहते थे, कहीं और चाहते थे। आज आपने सुन लिया होगा जवाब। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हम हुकूमत से मुज़ाकरात बिल्कुल करने के लिए तैयार हैं, अगर हुकूमत के पास वो पार हो, वो तर्जुमानी हो आवाम की, जो 8 फरवरी को जिन लोगों को आवाम ने वोट देकर मुंतखब किया, वो तो हुकूमत से बाहर है। ये तो बिल्कुल एलियंस है, अजनबी लोग हैं। मैं नहीं कह रहा, पूरा पाकिस्तान कह रहा है, पूरा पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है। वो हजारों लोग जिन्होंने पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवाए, जिनमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं, जिसमें पुलिस के अफसरान हैं, जो बतौर आरओस वहां का ड्यूटी अंजाम देते रहे, उन सब ने अपनी आंखों से जो मंजर देखा, आप और मैं उसको कैसे झुठला सकते हैं। जहां तक हमारा मौकिफ था कि इस हुकूमत से बात नहीं हो सकती, उसकी वजह यह है कि जो लोग ये समझते हैं कि इस हुकूमत को अवाम ने मुस्तरद कर दिया, तो हम फिर उनके उस मौकफ की तायद करते हैं। हम भी समझते हैं कि पाकिस्तान की अवाम ने पूरे मुल्क में इन लोगों को यकसर मुस्तरद किया है, लेकिन इसके बावजूद आप देखें, हम इस सिस्टम का हिस्सा बने। हमने स्पीकर के इलेक्शन में, डेप्टी स्पीकर के इलेक्शन में, कायदे अवान के इलेक्शन में हिस्सा लिया। एक तरफ हम इस सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत का रवैया देखें आप कि पंजाब जैसे सूबे में अभी हम किसी पुरअमन मुजाहरे की कॉल देते हैं, और कॉल किस बात पर देते हैं? अवाम की बेहतरी के लिए। 2 टेस्ट आए हैं अभी तक, डॉक्टर साहब, अभी तक इस पंजाब गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि मैं पंजाब से हूं, पंजाब की असेंबली में हूं, 2 टेस्ट आए हैं। एक टेस्ट आया गंदुम का, जहां आज पंजाब जो साउथ एशिया की सबसे बड़ी फूड बास्केट बन सकता है, जब बंपर क्रॉप शुरू होने का सिलसिला इमरान खान के दौर में हुआ। मैं खुद एग्रीकल्चर से बैकग्राउंड से हूँ, पिछले 30 सालों में अगर कोई 4 पाकिस्तान की मेजर क्रॉप्स, अच्छा आगे देखिए गंदम की बात करते हैं, गंदम के मामले नहीं, मैं गुजारिश कर रहा हूं, सवाल मिक्स हो रहे हैं ना। नहीं, मिक्स नहीं हुआ। आप मुज़ाकरात, मैं आपको सिर्फ एक जुमले में, हम अगर किसान के साथ यकजहती के लिए बाहर आते हैं, एक दिन पहले हमारे घरों पर रेड्स हो जाते हैं, हम पर FIR दी जाती है, भैया आपने स्ट्रीट क्रिमिनल्स को खुली छुट्टी दे दी, लोगों को लूटे। लाहौर शहर में परसों 395 स्ट्रीट क्रिमिनल्स के केसेस रिकॉर्ड पर आए हैं। मतलब सूबे का दारुल खिलाफा, वहां 400 मुकदमात के करीब दर्ज हो स्ट्रीट क्रिमिनल्स के अगेंस्ट, और आप बजाय चोरों को, बजाय डकैतों को, बजाय स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ने के, आप पॉलिटिकल वर्कर्स के घरों पर पुलिस को चढ़ा दें। मुझे पुलिस के मैक पर में कोई इतराज नहीं है, पुलिस का बड़ा अच्छा डिसिप्लिन फोर्स थी हमारी, कम वसाइल में इस फोर्स ने बड़े अच्छे काम किए, लेकिन पिछले 2 साल में जो गंडापुर साहब ने गंदम खरीदने का इंदिया दिया है, इस पर आपके मुखालिफिन भी आप पे तनकीद कर रहे हैं कि जी ये बकायदा एक स्टंट है सिर्फ, क्योंकि इतनी गंदम जखीरा कैसे की जाएगी KPK में? देखिए, मैं आपको एक गुजारिश कर दूं, उनको तो अब हर चीज में स्टंट नजर आएगा। अली अमीन गंडापुर साहब पहले वजीर आला नहीं होंगे KP के, हमेशा वज़ीरे आला ने फूड सिक्योरिटी के हवाले से अपने अपने रिजर्व को रखा है। गंदम पहले भी वज़ीरे आला खरीदते रहे हैं अपने सूबे के लोगों के लिए, लेकिन क्या पंजाब की वज़ीरे आला मुझे जवाब देंगी, जिन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके एक टिकटॉक बनाई हार्वेस्टिंग की, अच्छा, एक तस्वीर उनकी शायद हुई, वो बाकायदा गंदुम काट रही हैं, और उसके बाद उन्होंने फार्मर को नहीं पूछा भी, जो गंदुम मैंने अपने हाथ से काटी है, अपने नेक और मुतबरक हाथों से मैंने हार्वेस्टिंग की है, इस गंदुम का बनेगा क्या? उनसे किसी ने सवाल नहीं किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाए ताकि कोई खबर रह न जाए।